नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की बड़ी खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रालोसपा का जदयू में विलय की बात पक्की। बिहार के ये 5 स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। IPL से पहले MS धोनी का दिखा बेहतरीन फॉर्म। कोरोना का असर पड़ा रसोई घर पर। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। नदी किनारे बसे सूबे के इन जिलों में गहराया जल संकट। बिहार में गर्मी से पहले ही नदियों के किनारे बसे 11 जिले जल संकट वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आ गए हैं। बिहार सरकार के PHED विभाग ने जल स्तर पर राज्य भर में सर्वे कराया है। इसके अनुसार पटना सहित राज्य के 8 जिलों में जल स्तर पिछले कुछ साल की तुलना में नीचे आ गया है। इसके तहत 15 फरवरी तक कराए गए सर्वे के मुताबिक राज्य के अरवल, भभुआ, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर व बक्सर में जल स्तर पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक गिरा है। आपको बता दें कि हर इस सर्वे में इन सभी जिलों की पंचायतवार वाटर लेवल की रिपोर्ट जारी की गई है। विभाग ने जल संकट वाले स्थानों को चिन्हित कर लिया है। इसके लिए इन क्षेत्रों में साधारण चापाकल को इंडिया मार्का चापाकल में बदलने और जहां पहले से इंडिया मार्का चापाकल लगे हैं उनके पाइप बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। NMDC लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। नवरत्न कंपनियों में शामिल एक NMDC लिमिटेड ने फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, MCO और अन्य के 304 रिक्त पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं पास या फिर संबंधित ट्रेड में ITI और डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से 31 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राज्य में मात्र 17% कर्मियों के भरोसे चल रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बिहार के अस्पतालों में केवल 17% स्टाफ के सहारे ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। इनमें से 83% पद अब भी खाली हैं। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों सहित अन्य स्तर के पद शामिल हैं और इनकी कमी होने के कारण सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। इसकी वजह से बीमारियों के पहचान, जांच और इलाज में कई तरह की परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 814 विशेषज्ञ चिकित्सकों में राज्य में मात्र 113 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत है। वहीं 915 सामान्य चिकित्सकों के स्थान पर मात्र 289 चिकित्सक कार्यरत है। अगले 4 दिनों तक बैंकों का शटर रहेगा डाउन। शनिवार यानी कल से 4 दिनों तक सूबे के सभी सरकारी और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों आज अपने बैंक से संबंधित कामों का निपटारा नहीं किया उन्हें 4 दिन अब और इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि कल महीने का दूसरा शनिवार है और 14 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 15 और 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिन का हड़ताल है, जिस कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। इस दौरान SBI, PNB, इलाहाबाद, केनरा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य सभी सरकारी बैंकों के कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ATM सेवा भी प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट को जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक आज और कल शनिवार को बिहार में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ जगहों पर मध्यम आकार के ओले भी गिर सकते हैं। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट भी आएगी, जिससे गर्मी में लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 48 घंटों में कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की भी स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। राज्य के ये 5 स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत बिहार के 5 स्टेशनों की रूपरेखा बदली जानी है। इसके तहत गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर स्टेशन, सिंगरौली स्टेशन और बेगूसराय स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। इस क्रम में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें इन स्टेशनों की रूपरेखा बदलने की योजना बनाई गई है। इसके अनुसार गया स्टेशन को धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण इसके पूर्ण विकास की योजना बनाई गई है। वहीं अन्य 4 स्टेशनों पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद इसका रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होगा, जिसके बाद टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा यह काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पूरे किए जाएंगे। बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रेरा ने जारी किया सख्त आदेश। रेरा ने बिल्डरों और डेवलपर्स पर नकेल कसने के लिए नए प्रावधान लाए हैं। इसके अनुसार राज्य के सभी बिल्डरों को 31 मार्च तक अकाउंट का नया ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। रेरा के अनुसार
अनुसार यह आदेश पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और ग्राहकों के फायदे के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के तहत सभी प्रमोटर्स, डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर रेरा से जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, उन्हें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा। पत्र में कहा गया है कि सभी बिल्डरों को ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉफिट और लॉस, अकाउंट बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में 2019-20 का ऑडिट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा। बिहार में रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर के डबल प्रमोशन पर विपक्ष ने किया सवाल। राज्य में कभी घूस लेते हुए पकड़े गए चिकित्सक को प्रमोशन देने के मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। जानकारी के अनुसार यह मामला स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक बनाए गए डॉक्टर रूप नारायण का है। उन्हें पहले अररिया का सिविल सर्जन बनाया गया था, जिसके 2 महीने के बाद ही प्रमोट करके उन्हें स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं इस मामले में विपक्षी पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके तहत कांग्रेस नेता ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि 1998 में डॉक्टर रूप नारायण को अपने सहकर्मी से घूस लेते हुए पकड़ा गया था और यह केस अभी भी भागलपुर में निगरानी अदालत में चल रहा है, बावजूद इसके इन्हें प्रोन्नति दे दी गई है। आगरा सड़क हादसे में बिहार के मृतकों के आश्रितों को मिलेंगे 1,00,000 रुपए। आगरा के एतमादियोला में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। वही घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को तत्काल सीएम राहत कोष से 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज मुफ्त करवाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से वे काफी मर्माहत है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बताते चले कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में NH-19 पर बेकाबू स्कॉर्पियो और कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में गया जिले के 7 लोगों की मौत हो गई थी। 2 दिन बाद जदयू में विलय का आधिकारिक ऐलान करेगी रालोसपा। बिहार की राजनीति में जदयू और भी मजबूत होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जदयू में शामिल होने वाली है और इस बात की आधिकारिक घोषणा 14 मार्च को हो सकती है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 14 मार्च को पटना में रालोसपा का जदयू में विलय होगा। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में खुद रालोसपा के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी को बताया है कि रालोसपा ने जदयू के साथ विलय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मंजूरी लेने के लिए 13-14 मार्च को पटना में 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा 2020 में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विलय का फैसला लिया है। सुशील मोदी ने तेजस्वी को दी नसीहत। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता और कई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी आखिर किस मजबूरी में 2.5 दशक से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही बने हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके पिता खुद मजबूर, कमजोर और हालात से थक चुके हैं, वे हर दिन 16 घंटे राज्य की सेवा में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी को नसीहत दी कि उन्हें अपने बीमार पिता की सेवा के लिए वक्त निकालना चाहिए। कोरोना इफेक्ट ने बढ़ाई रसोई घरों की परेशानी। कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां लोगों के रोजगार पर असर डाला है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के पीछे भी इसका बड़ा हाथ है। बिहार में पिछले 1 महीने में रसोई के सामान के लिए आम लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कोरोना इफेक्ट के कारण राज्य भर में खुदरा व्यापारियों ने किराना सामान की कीमतों में अपने मन से बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च से 10 मार्च के बीच सरसों तेल की कीमत में 22 रुपये की तेजी आई है। वहीं चावल, अरहर दाल व प्याज के लिए भी आम लोगों को अधिक से देने पड़ रहा है। खास बात यह है कि इन आवश्यक सामान के थोक भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि खुदरा व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ाई है। वहीं इस संबंध में विभाग अब एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रही है, जिसके बाद दिशा निर्देश आने पर सभी खुदरा व्यापारियों को अमल करना होगा। तेजस्वी ने लगाया बिहार के 64% मंत्रियों के दागी होने का आरोप। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्रिमंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश सरकार में 64% मंत्री दागी हैं, जिन पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज है। राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि मंत्रियों की लापरवाही हो या सरकार से जुड़ा कोई और मामला रहे, सीएम बिल्कुल अनजान बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि जिसे वह मंत्री बना रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते हो। इस मामले में उन्होंने मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने का उदाहरण दिया। IPL 2021 के लिए बेहतरीन फॉर्म में तैयार है MS धोनी। IPL की 14वें सीजन के आगाज होने में अब बहुत कम समय बचा है। 9 अप्रैल से सीजन का आगाज हो जाएगा। वहीं अगले दिन 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच खेलेगी। इसके लिए CSK के खिलाड़ी तैयारियों में जुट गए हैं और चेन्नई में मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान CSK ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में धोनी जमकर छक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि
सीएसके के लिए पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, ऐसे में टीम के खिलाड़ी जमकर इस सीजन के लिए पसीना बहा रहे हैं। बाहुबली फेम प्रभास के साथ फिल्म में नजर आएंगी कृति सेनन। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन जल्द ही फिल्म आदि पुरुष में बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास के साथ नजर आने वाली है। इस बात की जानकारी खुद प्रभास ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। प्रभास के साथ फिल्म में सनी सिंह भी नजर आएंगे। तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रभास ने कैप्शन में लिखा कि कृति सेनन और सनी सिंह का आदि पुरुष में स्वागत है। बता दें कि फिल्म आदि पुरुष अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ अली खान लंगेश के किरदार में नजर आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।